कि महाराष्ट्र के पंढरपुर में श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग अर्थात एनएच 965 के 5 खंडों को 4 लेन में करने की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग अर्थात एनएच 965 जी के 3 खंडों को भी 4 लेन बनाने का शिलान्यास करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग की लंबाई 221 किलोमीटर जो दिवेघाट और मोहली से जुड़ता है और 130 किलोमीटर लंबा संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग को 4 लेन में विकसित किया जाएगा। संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग को भी 4 लेन में बनाने के लिए 6,690 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो वही संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग को 4 लेन में तब्दील करने के लिए 4,400 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। तो वही इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रीत, जानना चाहेंगे आज महाराष्ट्र के पंढरपुर में दो सबसे बड़े जो हम कह सकते हैं संत जो हुए हैं उनके वहां पर श्रद्धालुओं के आने जाने को सुविधाजनक बनाने की कवायद को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास कार्यों की सौगात देंगे, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जी बिल्कुल, एनएच जो नेशनल हाईवे है उसको कहीं ना कहीं 4 लेन बनाने के लिए ये परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी की ओर से रखी जाएगी। 11,000 करोड़ से अधिक की लागत से इस परियोजना का निर्माण किया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि जो अलग अलग एनएच 965 5 खंडों में होगा जो कि संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी मार्ग है, और इसके साथ ही एनएच 965 जी जो कि 3 खंडों में 4 लेन के लिए इसकी आधारशिला रखी जाएगी जो कि संत तुकाराम महाराज की पालकी मार्ग है। दोनों ही जो संत है उनके जो श्रद्धालु हैं जो भक्त हैं वो वहां पर आसानी से जा सके, पालकी की आसानी से यात्रा निकाली जा सके, सब चीजों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे। दोपहर 3:30 बजे से जिस तरीके से पीएमओ की ओर से जानकारी दी गई है, प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3 बजे इस आधारशिला के कार्यक्रम में जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं किस तरीके से जो दोनों संतों का जो महत्व है महाराष्ट्र में काफी देश भर में इनके श्रद्धांजलि जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके की असुविधा ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग का इस तरीके से विकास करना बाकी लोगों के लिए भी बहुत से जो आसपास के लोग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत सुविधाजनक ये माना जा रहा है, एक महत्वपूर्ण स्टेप बताया जा रहा है जिस तरीके से इसकी आधारशिला रखी जा रही है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द तयशुदा टाइम में ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल प्रीत, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के 3 सेक्शन